महापर्व पर आज राजधानी स्थित देवी मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। आज नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन कर लोगों ने व्रत तोड़ा। हवन व कन्या पूजन का कार्य घरों से लेकर मंदिरों तक किया गया। बता दें कि नवरात्रि में आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ का पुण्य स्वरूप है। देवी माँ का यह सिद्ध अवतार माना जाता है। आज के दिन भक्त देवी माँ की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवता हो या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री देवी ही है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से संपूर्ण नवरात्रि का फल मिलता है। यही कारण है कि माँ सिद्धिदात्री के पूजा के बगैर नवरात्रि का पर्व सफल नहीं माना जाता है। बताया जा रहा है कि नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस महापर्व पर शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। समस्त सिद्धियों को देने वाले का आज दिन होता है। यह पर्व पाप के अंत के रूप में भी जाना जाता है। यही वह समय है जब भगवान राम ने सभी सिद्धियों को प्राप्त कर दशहरा के दिन रावण का वध कर पाप का नाश किया था। नवरात्र का विशेष महत्व है हमारे यहाँ। इसमें शक्ति की उपासना होती है। प्रथम नवरात्र जो होता है वो हिमालय की पुत्री से शुरू होता है, प्रथम शैलपुत्री कही जाती है, और नवा नवरात्र सिद्धिदात्री के नाम से कहा जाता है। समस्त सिद्धियों को देने वाला नवमी का नवरात्र होता है। नवमी तिथि होती है, नवमी तिथि पूर्ण तिथि होती है। इसीलिए चैत्र के नवरात्र में जब अष्टमी हो जाती है तो तुरंत ठीक भगवान राम के अवतार होता है रामनवमी के दिन। इसी प्रकार आश्विन के मास में जब नवरात्र व्यतीत होते थे, भगवान की रामनवमी जब के बाद जब नवमी आती है तो इस नवमी में विजयदशमी होती है। उसमें राम का जन्म है। इसमें राम का जन्म का हेतु जो है समस्त समाज को, जितने जीव हैं संसार को, सबको एक सूत्र में बांधना, यह राम का कार्य था। सबको एक सूत्र में बांध करके पाप की जो बढ़ोतरी हुई थी, रावण के द्वारा जो पाप किया गया था, उसका अंत करने का यह समय आया था। तो नवमी के दिन आज समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके भगवान राम ने दशहरा के दिन रावण का संहार किया था। इसलिए नवमी का बहुत विशेष महत्व है। नवमी सिद्धिदात्री नवरात्र है। नवम सिद्धिदात्री च, नवा नवरात्र सिद्धिदात्री के नाम से कहा जाता है।